दोस्तों आइए, जैसा कि हम कल कुछ स्क्वायर निकालना सीखे थे, आज हम उसके आगे चर्चा करते हैं। कल आपको मैंने कुछ अंकों के बारे में समझाया था, निकाला दिखाया था, आज हम देखते हैं कुछ बड़ी संख्याओं पे। जैसे कि मैं ले रहा हूँ 65, यहाँ पे इसका हमें वर्ग निकालना है। हमको सिर्फ वही करना है जो पिछले वीडियो में बताया है, 5 का वर्ग 25, दो अंक लेना है, ऑलरेडी 2 अंक हैं, 6 का वर्ग 36, इसके बाद 1 अंक हमें छोड़ना है, 5 6 का 30, 30 2 9 60। अब दोनों को हमें ऐड कर देना है, ये आ गया आपका 5 2 6 6 12, हासिल 1 3 1 4। ये देखिए 65 का वर्ग आपका 4225 आ रहा है। अब देखिए, मैं आपको कल ही बताया था कि 5, जिसके अंकों का इकाई का अंक 5 मिल जाए उसके लिए एक अलग से आपको बताया था। मैं आपको इसी से निकाल के प्रूफ करता हूँ कि ये सही हो रहा है कि नहीं। यही 65 है, इसको मैं देखिए दूसरे विधि से लगा रहा हूँ। मैंने बताया था कि जहाँ पे आपको यूनिट इकाई का अंक 5 मिल जाए, इसमें देखिए 5 है, तो 5 का वर्ग करना क्या है, सीधा आपको 5 5 25, ये जो दहाई का अंक 6 है इसमें हमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7, और फिर उसका मल्टीप्लाई कर देना है तो 7 6 42। देखिए वही सेम निकल गया, यहाँ पे 4225 आ रहा है, यहाँ पे भी 4225 आ रहा है। तो ये दोनों विधियां हैं, किसी से भी लगा सकते हो। ये वाली विधि ओनली वहां फॉलो करती है जहां इकाई के अंक में 5 होता है, वहां पे ये फॉलो करती है। जैसे बहुत बड़ी संख्या ले लिया मैंने, 95 ले लिया, इसके देखिए यूनिट 5 है इकाई का अंक, चलिए 5 5 25, 9 के आगे क्या हो जाएगा, 10 आएगा, तो 9 10 90, ये आ गया 9025 आ गया। आप इसी को इस विधि से लगा के देखिएगा, आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। इसी प्रकार देखिए हम और कुछ देखते हैं, जैसे कि अब मुझे इस विधि में देखना है ये 88 है, इसको देखो मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ, 8 8 64 हो गया आपका, और 8 8 64 हो गया, 1 1 डिजिट मैंने छोड़ दिया, इसके बाद फिर हमको मल्टीप्लाई करना है, 8 8 64 64 2 9 128 हो गया आपका। बस क्या करना है, ऐड कर देना है, 4 8 6 14 हासिल 1, 4 2 6 हासिल का 1 7, 6 1 7, ये आपका आ रहा है 88 का वर्ग। देखिए मैं ये कुछ संख्याएं आपके सामने लिया हूँ, 91 92 93, इनमें एक अलग से ट्रिक बता रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं कि आप सर इस ट्रिक से नहीं समझाए हैं, तो देखो मैं उससे भी बता रहा हूँ, लेकिन ये सब जगह फॉलो नहीं करती, इसलिए मैं सब बताया नहीं करता हूँ। ऐसा थोड़ी ना है कि ये कन्फर्म नहीं है। देखिए ये 100 देश से लेके चलना है, 100 है 100 से इसमें देखा जाता है कितना कम है, सब लोग बताएंगे 9 का अंतर है, 100 से 9 कम है, 91 है, तो इसमें 9 का वर्ग हो जाएगा 81। अब ये 91 जो है इसमें 9 घटा देना होता है, तो 91 में 9 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 82, ये आपका 8281 91 का वर्ग हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 92 में देखते हैं फॉलो करता है या नहीं, 100 से कंपेयर किया कितने का अंतर है, 8 का, तो 8 का वर्ग कर लेंगे, इस 8 का वर्ग कर लेंगे, 64 हो गया। अब यहाँ पे अंतर देख लेंगे, इसी से अंतर देखना है, ना कि 100 से, 92 से अंतर देखना है, 92 में 8 घटा देंगे, 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 84 आ जाएगा। और ये जो है इसमें देखिए, इससे भी देखेंगे कितने का अंतर है, 100 में से कंपेयर करेंगे कितने का, 7 का अंतर है, तो 7 का वर्ग 49 हो गया। और यहाँ पे वही फिर देख लेंगे कितने का अंतर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 86 का अंतर, ठीक सर। और देखिए यहाँ पे 1 के सीरीज वाले वर्ग निकालते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग सबको ही पता है कि 1 ही होता है। अब जैसे मैंने 2 ठो 1 कर दिया, ये ले 2 ठो 1, इसको क्या कहते हैं, 11 है, इसमें इसका भी वर्ग सबको आता होगा कि 121 होता है। अब जैसे मैंने इसी को 1 से 2 किया, 2 से 3 कर दिया, 111 का वर्ग जैसे मैंने पूछ लिया, अब तो या 3 डिजिट का हो गया तो अब ना पाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या कर किया जाता है, 1 2 3, 3 अक्षर हैं, 3 अंक हैं, तो देखिए यहाँ पे हमको 3 तक लिखना है, 1
दो तीन, इसके बाद बैक कर देना है, तीन के बाद दो एक, ये देखिए तीन अंक हैं, मैं तीन तक गिनती लिखा, एक दो तीन, इसके बाद रिवर्स बैक आ गया, दो एक, ठीक सर। अब जैसे मैंने चार कर दिया, एक दो तीन चार, चार बार एक लिख दिया, इसको क्या बोलेंगे, 1111 का ओवर भी जैसे हमको निकालना है। क्वेश्चन में आ जाता है कि 1111 का ओवर का क्या होगा, तो क्या करना है हमें, एक दो तीन चार अंक हैं एक के, तो एक दो तीन चार, बैक गाड़ी कर देना है, तीन दो एक, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम सीरीज से चल रहा है। जैसे क्वेश्चन को जैसे बनाना है इतना बड़ा वर्क कर देंगे, लेकिन बहुत ही आसान रह रहा है, लेकिन लगने अगर आप बेसिक में जाके गुणा करके निकालोगे तो ना जाने कितना समय लग जाएगा। जैसे कि देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ, इतनी बड़ी संख्या का अगर वर्क निकालने के लिए आपको दे दिया जाए, अगर आपको ये ट्रिक नहीं मालूम है, बेसिक से लगाओगे ना जाने कितना टाइम खा जाएगा। इसमें क्या करना है, एक दो तीन चार पाँच छ अंक हैं, यहाँ पे हमको छः तक गिनती लेके जाना है, एक दो तीन चार पाँच छ, अब यहाँ से गाड़ी बैक कर देना है, पाँच चार तीन दो एक, कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, अगर एक के सीरीज का है तो हम उसी तरह सीरीज में अंक लिख के और उसके बाद बैक करके वहीं एक से शुरू करके एक में ख़त्म करना है, जितने अंक हैं वहाँ तक लेके जाना है गाड़ी को, समझ रहे हैं, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ओके, धन्यवाद, जय हिंद सर।